दोस्तों 2020 में OnePlus Nord इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन था। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज ने अपने 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किए, जैसे कि मोटोरोला मोटो जी 5G जो कि OnePlus Nord से भी हमें सस्ते प्राइस में देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें फीचर्स के मामले में तो OnePlus Nord काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। जिनको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए, स्पेशली अगर आपको अभी के टाइम पे एक सुपर एमोलेड के साथ डिस्प्ले चाहिए, तो OnePlus Nord के अंदर हमें वो सारे फीचर्स देखने को मिले थे। और अब फाइनली 2021 में OnePlus 20,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट को वापस से कवर करने जा रहा है, जहां पर OnePlus की तरफ से आपको OnePlus Nord C देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको Qualcomm Snapdragon 700 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। और यहां पर Android Central ने इसके फीचर्स को रिवील कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड सेंट्रल, यहाँ पर आपको इस डिवाइस के अंदर Qualcomm Snapdragon 750 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि हमें MI 10i के अंदर भी देखने को मिला था। और भी बहुत सारे 5G स्मार्टफोन्स हैं जो कि हमें बजट प्राइसिंग के अंदर इसी चिपसेट के साथ देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इस डिवाइस की प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो अंडर 5000 mAh तक की एक बैटरी देखने को मिलने वाली है, और फास्ट चार्जिंग में आपको 30W के वॉप चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों रियर साइड के अंदर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो आपको 64 MP के क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपको 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 MP का एक मैक्रो लेंस और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो यहाँ पर काफी क्वाइट इंटरेस्टिंग मुझे डिस्प्ले देखने में लग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंड्रॉइड सेंट्रल आपको इस डिवाइस के अंदर 6.43 inches का एक 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि लेफ्ट पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिलने वाला है। और सेल्फी के लिए आपको 16 MP के सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो बताई जा रही है कि आपको 20,000 rupees के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इस डिवाइस की लॉन्च डेट की, तो 10 जून को इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड हैं? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।